चल मेरे हाथी, ये वाला हाथी बड़ा है, अपना छोटा है। दिस इज द लेक, पानी भी काफी कम है ड्यू टू समर इज गोइंग। सो गुड आफ्टरनून, दिस इज अवर डे 3 इन केरला एंड वी आर स्टार्टिंग अवर डे विथ दिस एलिफेंट सफारी एट ठेकाड़ी। सो वेलकम टू ठेकाड़ी। सो हम एक दिन यहाँ पूरा रहेंगे, एलिफेंट सफारी करेंगे एंड शायद जंगल सफारी करेंगे, कर इसको ऑप्शनल है, विल सी दैट। एंड शाम को देर विल बी केरला का कथकली एंड ऑल का शो, सो विल बी डूइंग दैट फॉर श्योर। सो लेट्स जॉइन मी इन दिस एलिफेंट सफारी एट ठेकाड़ी। ₹500 पर पर्सन एंड 15 से 20 मिनट का राइड होगा एंड देन इट इज़ लाइक 1250 लाइक 1250 1250 रुपया। यहाँ पर सिंगल पर्सन का आपको एलिफेंट शावर एंड एलिफेंट बाथ वगैरह होगा। सो हम तो बाथ लेंगे नहीं, पूरा गंदे जाएंगे, अभी थोड़ा और जाना है। सो वी आर टेकिंग ओनली दिस थिंग एलिफेंट राइड फॉर 15-20 मिनट्स इनके साथ यहाँ पर आगे प्लांटेशन में। चल मेरे हाथी, ये वाला हाथी बड़ा है, अपना छोटा है। अरे वो भी बड़ा है, हमारा छोटा हाथी है। सो दिस इज जैकफ्रूट का पेड़। ये जितनी बेल लगी है ये सब ब्लैक पेपर एंड नीचे इज इलायची एंड दिस इज अवर हाथी, माय हाथी, ओ मेरे साथी। सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर डूइंग दैट एलिफेंट सफारी। छोटा सा ही था बट एक केरला का एक्सपीरियंस ने तो ले लिया। सो यहाँ ठेकाड़ी में घूमने का मतलब 3 मेजर अट्रैक्शन है। सो वन इज लाइक दैट एलिफेंट सफारी, सेकेंड यहाँ का जो जंगल सफारी होता है वो बोटिंग भी होता है यहाँ पर, लेकिन ये सीज़न थोड़ा गर्मी का है तो बोटिंग पानी इतना नहीं, तो बोटिंग का उतना नहीं है। एंड सॉरी, थर्ड इज दिस थिंग कॉल एज जंगल सफारी। तो हम लोग बस वाला करेंगे, इसका टिकट 50 रुपीज़ है, जंगल का पूरा घुमा देगा उसको हम लोग को गवर्नमेंट बस में। एंड द लास्ट शेड जो शाम का जो कल्चरल शो होता है तो दैट विल बी विजिटिंग, कल्चरल डांस होगा एंड केरला का मार्शल आर्ट्स होगा। सो वो एक है। सो ये सब करने के बाद भी चेक इन टू होटल, सो स्टे ट्यून्ड फॉर जंगल सफारी नाउ। दिस इज द टिकट एरिया। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्यू यू कैन बाय द टिकट ऑनलाइन ऑल्सो एंड शो द QR कोड, तो आप तो हो जाएगा। बट अभी रश टाइम कम था सो इसलिए वी टुक द टिकट्स यहाँ से काउंटर से। टाइगर रिजर्व, एक डियर पार्क के अंदर। यहाँ पर एक है बस स्टॉप्स यू एट दिस पेरियार लेक, देन यहाँ पर आप टाइम पास कीजिए, खाइए पीजिए, शॉपिंग कीजिए, देन फ्रॉम हियर यू कैन टेक अनदर बस एंड आपको वापस छोड़ देगी। सो बोटिंग का कुछ 285 रुपीज़ है फॉर हाफ एन आवर, पैडल बोट है तो मैं तो चला नहीं रहा, बहुत धूप है और उतनी ही मेहनत नहीं करनी है मुझे। सो जाते हैं अभी, दिखाते हैं आसपास का एरिया। दिस इज वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर। नाम है इतना।
दिस इज द लेक. पानी भी काफ़ी कम है ड्यू टू समर्स गोइंग, इसलिए आफ्टर दैट जो मैं सफारी किया था बस में, वी केम हियर टू दिस फिलिप्स हनी. सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अरे इफ यू बाइंग एनी हनी तो वो उसका कॉस्ट है. तो इन्होंने पूरा बनाया है यहाँ पर, मतलब कल्चर मधुमक्खी है बहुत सारी, पूरा सा बनाया है इधर सा. इसके अंदर वो मधुमक्खी का कल्टिवेशन कराते हैं. तो इधर सामने पूरा लाइन से वही भरा पड़ा है. सो देखते हैं क्या है, कैसा है, कितना कॉस्ट है. फिलिप्स नेचुरल हनी, ये देखो इसके अंदर सब मिलेंगे. ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा मैं, इनसे भी कर लो. पूरा यहाँ पर भरे हुए हनी, एंड देन यहाँ पर ये लोग बेचते हैं, ये प्राइसेस में बेचते हैं हनी. देखते थोड़ा टेस्ट करके क्या है कैसा है, थोड़ा सा ले लेंगे चाहिए तो. We can daily use it along with turmeric powder. It should be the turmeric powder. Yeah, it's very smaller bee. They are very small. I thought that they are flies. No. They are our bees only. See, this is their egg actually. This one is the egg. And here you can see a little bit of honey there. And yeah, here. Okay. This might be thick, I mean. Yeah, thickness and thickness. Feature also. Hmm. That's sweet. Ah, nice. शहद तो हमने ले लिया 600 रुपीस का, एक किलो के ऊपर ही है. देखते हैं कैसा है. बोलते हैं ओरिजिनल टेस्ट भी किया, इट्स गुड. अभी यहाँ से हम आए हैं फॉर दिस कथकली एंड केरला मार्शल आर्ट्स को देखने. सो लेट्स गो फॉर कथकली. Show of Kathakali. Now we are heading towards next
स्टेडियम या ऑडिटोरियम, यहाँ पर केरला का मार्शल आर्ट्स जो रहेगा वो ये लोग यहाँ दिखाएंगे। सो वो देख के विल मूव ऑन टू अवर रिजॉर्ट। सो स्टे ट्यून फॉर द केरला मार्शल आर्ट्स, जो ओरिजिन ऑफ मार्शल आर्ट्स वॉज फ्रॉम इंडिया। Back to our resort after that amazing Kathakali and martial art ka show. It was amazing. Hope aapko video pasand aaya hoga. So this was it from Thekkady. So we did elephant ride, we did jungle safari, we did honeybee ka plantation, and then last mein Kathakali and martial arts. 5 दिन के फटाफट थक गए, अभी रूम में आके चेकआउट कर लिए। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड सी यू इन माय अनदर व्लॉग, जो कल हम सुबह यहाँ से निकलेंगे एंड विल गो टू एलएपी हाउस बोट। सो स्टे एंड टेक केयर, डू सब्सक्राइब एंड आगे का भी व्लॉग देखते रहिएगा। बाय।